दोस्तों, आज हम एक बार फिर आरएसएस के एजेंडा की सच्चाई के बारे में बात करेंगे। और ये बात करना इसलिए ज़रूरी है कि अभी अभी श्री मोहन भागवत, जो आरएसएस के सरसंघचालक हैं, उन्होंने कई लंबे लेक्चर दिए, एक शिकागो में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के सामने और 3 लेक्चर उन्होंने दिल्ली में विज्ञान भवन में दिए। और इन लेक्चर से कई लोगों को लग रहा है कि आरएसएस उदार होती चली है, ये अपना पुराना इसकी जो रिजिडिटी कड़कपन है वो उससे बाहर निकल रही है, और इसी प्रकार की चीज़ें उन लोगों में एक इम्प्रेशन, एक प्रकार का विचार लोगों के मन में आ रहा है। तो पहले तो हम देख लें कि श्री भागवत ने जो शिकागो में कहा, जो दिल्ली में कहा, वो सारांश में वो बातें क्या है। शिकागो में उन्होंने 2 बातें मुख्य रूप से कही। एक, उन्होंने कहा कि जैसे हिंदू समाज एक शेर की तरह है और कई बार जंगली कुत्ते शेर का भी शिकार कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा हिंदू समाज के पास सब कुछ था, केवल भूल गए और उसको फिर से याद करने की ज़रूरत है, संगठित होने की ज़रूरत है। अपने दिल्ली के भाषणों में उन्होंने कई नए नए बयान दिए, जैसे उन्होंने 1 भारतीय संविधान के प्रति आदर जताया, रिजर्वेशन का समर्थन किया, आर्टिकल 377 का भी उन्होंने विरोध नहीं किया, जो अभी तक उनका एक मुख्य बात थी। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों के बगैर हिंदू तो पूरा नहीं हो सकता, और ऐसी कई प्रकार की बातें उन्होंने कही, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के आज़ादी के आंदोलन की जो भूमिका थी उसकी भी उन्होंने सराहना की। तो आखिर में जो इतने उनके भाषण हुए, इतनी जो बयानबाजी हुई, वो क्या है? क्या आरएसएस का स्वरूप बदल रहा है? क्या आरएसएस का जो एजेंडा है वो बदल रहा है? तो यहाँ ये देखने की बात है। पहली बात तो, जब वो हिंदू समाज को शेर कहते हैं और बाकी को जंगली कुत्ता कहते हैं, तो ये एक अपने आप में सोचने वाली बात है कि वो जंगली कुत्ते के रूप में किसको संबोधित कर रहे हैं। दूसरा, ये कहना कि हिंदू समाज के पास प्राचीन काल में सब था, ये अपने आप में एक भुलावा है, क्योंकि मानव समाज हमेशा प्रगति करता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। मानव समाज की समझ, ज्ञान, विज्ञान समय के साथ, परिस्थितियों के अनुसार ये एक विकास करता रहता है। तो प्राचीन भारत में जो था ज्ञान और विज्ञान, उसमें और आज और के समय के ज्ञान और विज्ञान में बहुत फर्क है, क्योंकि इस बीच भारतीय समाज, अब यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा हिंदू समाज, क्योंकि पिछले करीब 1.5 साल से तो भारतीय समाज बन रहा है। इस भारतीय समाज में विज्ञान की समझ बहुत बड़ी है, ज्ञान की समझ बहुत बड़ी है। निश्चित रूप से भारतीय समाज ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति की है, उसे मोहन भागवत कम करके आंकना चाहते हैं और इसकी तुलना पुराने समाज से करना चाहते हैं, और ये उनके छुपे हुए एजेंडा का एक भाग है। जहाँ तक उनकी बाकी बातों को कहा जाए, कि उन्होंने जो मुसलमानों के बारे में कहा, जो उन्होंने संविधान के बारे में कहा, जो उन्होंने रिजर्वेशन के बारे में कहा, आर्टिकल 377 के बारे में कहा, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बातें एक धरातल पे उनकी बातों में जो आ रही हैं, उसके पीछे ये देखना ज़रूरी है कि वो क्या नहीं कह रहे। जो कह रहे हैं उसमें शायद वो अभी इस परिस्थिति पे आ गए हैं, पर जो नहीं कह रहे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, एक जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि गुरु गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट में वो पूरा विश्वास नहीं रखते। अब ये खुशी की बात है कि अपने जिसके वो उत्तराधिकारी रहे हैं श्री गोलवलकर, उनके कई विचारों से वो असहमति दिखा रहे हैं, क्योंकि गुरु गोलवलकर की ये किताब अभी तक आरएसएस की शाखाओं में एक केंद्रीय पुस्तक के रूप में चली है। खैर, तो ये बातें तो उन्होंने कही, पर इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उन्होंने जो नहीं कहा वो ज़्यादा हमें बताता है। उन्होंने ये नहीं बताया कि जो प्राचीन हिंदू समाज को वो एक आदर्श समाज कह रहे हैं, उसी समाज में यहाँ जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, और ये वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म के ग्रंथों के आधार पर आई थी, और यही बात डॉक्टर अम्बेडकर ने लगातार अपनी लेखनों में, अपनी किताबों में सामने रखा। तो पहली बात,
तो हिंदू समाज के अंदर की जो वर्ण व्यवस्था है उसको वो छुपाना चाहते हैं, इसका दोष वो विदेशियों को देना चाहते हैं जो अपने आप में झूठ है। जैसे बाबा साहब ने हमें बताया ये वर्ण व्यवस्था यहाँ के हिंदू धर्म ग्रंथों में जो है उसी का एक प्रतिबिंब है। दूसरा, अब उन्होंने कहा वो भाजपा का रिमोट कंट्रोल नहीं है, भाजपा एक स्वायत्त संस्था है जो अपने निर्णय खुद लेती है। कुछ हद तक ये बात सही भी है, पर ये बात एक मामूली तौर पे सही है और बड़े तौर पे पूरी तौर से गलत है। गलत इसलिए है कि जब भी चुनाव होते हैं, ज़्यादातर चुनावों में आज तक आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के लिए काम किया, 2014 में भी किया, एक दो चुनावों को छोड़कर भाजपा के लिए आरएसएस हमेशा काम करता रहा है। नंबर दो, आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं, आरएसएस के पदाधिकारी ये डायरेक्टली भाजपा के अंदर आकर भाजपा के शीर्ष पदाधिकारी ऑफिस बेयरर्स हो जाते हैं। और तीसरा, जब भी जब भी बीजेपी का प्रेसिडेंट चुनना होता है तो आरएसएस की सलाह से होता है। मोदी जी का जो नामांकन हुआ था प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में, उसमें भी पूरी आरएसएस की सलाह और ये सब चीज़ें सामने चली। तो ये तो ऊपरी समानता थी। वास्तव में बात यह है कि आरएसएस अगर भाजपा को डायरेक्टली कंट्रोल न करे तो भी आरएसएस का जो एजेंडा है इन्हीं संगठनों के माध्यम से हमको दिखता है। कौन से संगठन? भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, बजरंग दल वगैरह वगैरह। अब ये क्या माजरा है जो हमें समझने की ज़रूरत है? ऊपरी तौर पे जो भागवत जी बता रहे हैं उससे अलग जाके हमें सोचना पड़ेगा कि आरएसएस आखिरी में करता क्या है। निश्चित तौर से आरएसएस का संगठन केवल खेल कूद के लिए, बैंड बजाने के लिए, लाठी चलाने के लिए नहीं हुआ है। ये काम तो करते हैं पर ये काम दिखते हैं। जो काम नहीं दिखता, जो नहीं बताया जाता, वो है आज आरएसएस में चलने वाला बौद्धिक ट्रेनिंग। तो आरएसएस को दो भागों में देखिए, एक चैरिटी, धर्मदाय काम और एक्सरसाइजेस, खेल कूद वगैरह, इसको वो कहते हैं शारीरिक, और दूसरा होता है बौद्धिक। ये बौद्धिक में से ही जो लोग 5 से 15 साल के बच्चे लड़के आरएसएस शाखाओं में जाते हैं उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। और ये ब्रेन वॉश का आधार क्या है? ब्रेन वॉश का आधार सावरकर के विचार हैं, गोलवलकर के विचार हैं, और एक उनकी समझ है। वो समझ सारांश में ऐसी कही जा सकती है, आरएसएस की शाखाओं में जो ट्रेनिंग दी जाती है, आरएसएस का जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो कहता है कि भारत अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र रहा है। नंबर दो, इस राष्ट्र में, इस समाज में बहुत अच्छाइयाँ थी, कोई बुराई थी नहीं, सब जातियाँ बराबर थी, स्त्रियों का आदर होता था। समस्याएं कहाँ से चालू हुई? समस्या इनके अनुसार मुसलमानों के आने के बाद से चालू हुई, जब उन्होंने यहाँ धर्मांतरण करना चाहा, हिंदू औरतों पर अपनी नज़र डाली, उसके बाद से समाज में कुरीतियाँ आई। ऐसा आरएसएस अपने ट्रेनिस को उनका ब्रेन वॉश करता है। और इसी के साथ ये भी कहता है कि इस देश में जो हिंदू राष्ट्र है उसमें सावरकर ने हिंदू राष्ट्र की, हिंदुत्व की बात कही है। और ये इन शाखाओं में कहा जाता होगा कि गांधी और नेहरू जैसे लोग जो यहाँ की सभ्यता को मिली जुली सभ्यता मानते हैं, जो यहाँ के लोगों को सब धर्मों के लोगों के रूप में जोड़ के देखते हैं, उनके विरोध में ये हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को रखते हैं। और साथ में आके ये भी कहते हैं कि ये पूरा जो पाकिस्तान है वो दुश्मन देश है, ये कश्मीर भारत का अभंग भाग है, आर्टिकल 370 का वो विरोध करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का वो लादना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लादना चाहते हैं, राम मंदिर के मुद्दे को राम मंदिर बनवाना चाहते हैं, और ये जो चीज़ें हैं वो अपनी शाखाओं में अपने ट्रेनिस को, उनको इस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जाता है। अब होता क्या है, आरएसएस लंबे लंबे ट्रेनिंग कैंप चलाता है जिसकी परिणति उन कैंप्स में होती है जहाँ शायद 3 साल के बाद ये लोग प्रचारक, स्वयं सेवक बन के निकलते हैं। अब ये जब बन के निकलते हैं
तो उनको आरएसएस को कंट्रोल करने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो पूरी तौर से आरएसएस के हिंदू राष्ट्र के एजेंडा में डूबे होते हैं। इसीलिए वो प्रधानमंत्री बने या विश्व हिंदू परिषद बन के बाबरी मस्जिद को तोड़ने की बात को उठाएं, या सड़कों पे गाय के नाम पर हिंसा करें, या सनातन संस्था जैसे ग्रुप्स के साथ मिलकर आतंकवादी गतिविधियां करें, या अजमेर में जैसे जो आरएसएस के कार्यकर्ता आतंकवाद के लिए जेल में हैं उस प्रकार का काम करें। तो इसलिए आरएसएस को इन संगठनों को डायरेक्टली कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मुख्य कार्यकर्ता है वो आरएसएस के ट्रेनी हैं, जो आरएसएस को पूरी तौर से आरएसएस की विचारधाराओं में विश्वास रखते हैं। अब यही बात हमें देखने को तब भी मिली जब भारतीय जनता पार्टी का पूर्वज भारतीय जनसंघ अपनी पहचान को खोकर जनता पार्टी में विलीन हुआ। जनता पार्टी में विलीन हुआ तो जनता पार्टी के बाकी घटकों ने कहा कि आप एक तरफ तो जनता पार्टी से हैं, दूसरी तरफ आपका संबंध आरएसएस से है, आरएसएस से संबंध तोड़िए तभी आप जनता पार्टी में रह सकते हैं। तो वो जो लोग भारतीय जनसंघ से आए थे, जो आरएसएस के प्रचारक थे हैं, उन लोगों ने आरएसएस से संबंध तोड़ने से इनकार कर दिया और इसी के कारण जनता पार्टी टूट गई। तो ये तो उनकी प्रतिबद्धता का सवाल है। एक व्यक्ति कल तक आरएसएस का संगठक रहता है, दूसरे दिन आकर वो भाजपा में एक बड़े ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के पद पर आ जाता है। और ज़्यादातर भाजपा के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजिंग संयोजक कार्यकर्ता हैं वो ज़्यादातर आरएसएस के कार्यकर्ता निश्चित रूप से होते हैं। तो ये जो संगठन है, ये संगठन आखिर में इन्होंने किया क्या? अब आज ये कहते हैं कि मुसलमानों के बगैर हिंदू तो संभव नहीं है, पर पिछले 90 साल से आरएसएस ने जो प्रोपोगंडा किया है कि मुस्लिम धर्म विदेशी है, मुसलमान राजा विदेशी थे, इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, इन्होंने जबरदस्ती धर्मांतरण किया, इन्होंने हिंदू महिलाओं पर अत्याचार किया, ये सब जो इन्होंने प्रोपोगंडा किया उसके कारण आज समाज में नफरत का एक माहौल पैदा हो गया है। अब वो मुसलमानों के बारे में कुछ भी कहें, ये चीज़ों को उन्होंने समाज में गहरे तरीके से भर दिया है। ऐसे ही उन्होंने ईसाइयों के बारे में, क्रिश्चियंस के बारे में भी प्रचार कर दिया कि ये लोग लालच देकर, प्रलोभन देकर जबरदस्ती से लोगों को ईसाई बना रहे हैं। तो ये जो घृणा की बात है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कही थी। उन्होंने कहा था अपने एक पत्र में, सरदार पटेल ने लिखा कि आरएसएस ने जो समाज में नफरत के बीज बोए इसी कारण महात्मा गांधी की हत्या हो सकी। तो ये जो उनका अभी भागवत जी के इतने लेक्चर्स में जो बातें सामने आई वो तो हैं, पर जो ये काम कर रहे हैं, जो ये बौद्धिक काम जिसको कहते हैं, उन इंटेलेक्चुअल सेशंस में वी आर अवर नेशन वुड डिफाइन, सावरकर की हिंदुत्व की विचारधारा, गुलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स, उनमें जो विचार हैं हिंदू राष्ट्र के, और जिनके कारण मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते, ईसाइयों के खिलाफ नफरत फैलाते और ऐसे मुद्दे को उठाते जिससे एक तरफ मुसलमान को टारगेट किया जाता है, ईसाई को टारगेट किया जाता है, और जिसका प्रभाव समाज के दलितों पर होता है। और ये दलितों का प्रभाव हमने देखा रोहित वेमुला के केस में देखा, ऊना में दलितों पर जो अत्याचार हुआ उसके रूप में देखा, और लिंचिंग्स में जो जिस प्रकार से कई मुसलमानों को अपनी जान खोनी पड़ी उसमें देखा। निश्चित रूप से ये कहते हैं हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते। अब ये कहने से क्या होता है, आपने वो विचारों को समाज में गाड़ दिया है, समाज के मानसिकता में घुसा दिया है जिस विचारों के कारण ये हिंसा होती है। तो इन विचारों को समाज पर लादने की जिम्मेदारी किसकी है, जो शाखाएँ पिछले 93 साल से समाज में लगातार काम कर रही हैं, उनका जो बौद्धिक विभाग है, बौद्धिक विकास विभाग इस प्रकार की चीज़ों को करता है, और जो भारत को केवल उसी संस्कृति से जोड़ता है जो ब्राह्मणवादी संस्कृति है। भारत में यहाँ के जो श्रमण लोग रहे हैं, दलित लोग रहे हैं, महिलाएं रही हैं, आदिवासी रहे हैं, इन सबको मिलाकर भारतीय संस्कृति बनती है। इन्हीं सबके साथ जो यहाँ मुसलमान हैं, जो यहाँ ईसाई हैं, जो यहाँ बाकी धर्म के लोग हैं, इन सब धर्मों के लोगों के जीवन शैली को लेकर एक भारतीय संस्कृति बनती है। और ये लोग भारतीय संस्कृति उसी को मानते हैं जो एक ब्राह्मणवादी संस्कृति का रूप है। इसी के साथ ये कहते हैं हम चरित्र का निर्माण करते हैं।
चरित्र का निर्माण। अब ये चरित्र कैसा है, वो चरित्र कैसा है जो लोगों को एक अपने देश के दूसरे लोगों से नफरत करना सिखाए, ये चरित्र का निर्माण मुझे तो स्वीकार्य नहीं है। चरित्र वही होता है जो समाज के सब लोगों के साथ प्यार से जीने का संदेश दे। तो आरएसएस का पूरा एजेंडा ये जो चलता है वो छुपे तौर पर एक नफरत की बातों को समाज में फैलाता है, और उसी कारण से आज दो चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। एक तरफ आरएसएस की भाषा पहले से ज़्यादा नम्र होती जा रही है, और आरएसएस ने जो बौद्धिक कारण से समाज में एक सोच डाली है, समाज में एक समझ डाली है, उसके कारण यह हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो एक तरफ भाषा नम्र करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ अपने एजेंडा को पहले से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। ये डुप्लीकेट काम, दोहरा काम हमारे समाज में चल रहा है। तो हमें सावधान होकर भागवत जी के भाषणों को सुनते समय ये भी देखना चाहिए कि शाखा के बौद्धिक किस प्रकार की ट्रेनिंग लोगों को देते हैं। हमको ये भी देखना चाहिए सरदार पटेल के पत्र में क्या था। हमें ये भी देखना चाहिए आज समाज में गाय के नाम पर, समाज में मंदिरों के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर, सिविल कोड के नाम पर जो नफरत फैलाई गई उसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो ये कई बार तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति हाथ में हथियार उठाता है वो कम दोषी है, जो व्यक्ति गलत विचारों का समाज में प्रस्थापन करता है, नफरत की बातों को फैलाता है, वो ज़्यादा दोषी है। तो ये आरएसएस के अंदर एक डिवीजन ऑफ लेबर है। आरएसएस वो बातों को समाज में प्रस्थापित करता है जिसके कारण नफरत फैलती है, और दूसरे संगठन जिनमें इसी प्रकार के ट्रेन लोग जाते हैं वो बाद में जाकर एक हिंसा का, नफरत का वातावरण समाज में पैदा करते हैं। तो खैर, मैं चाहूँगा कि हम समाज में सभी लोगों का आदर कर रहे हैं, पर जो लोग केवल हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, हिंदू राष्ट्र को थोपने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि आप गांधी के रास्ते पर आइए, आप नेहरू के रास्ते पर आइए, आप अंबेडकर के रास्ते पर आइए। आप भारतीय संविधान का केवल आदर मत कीजिए, भारतीय संविधान के मूल्यों का पालन करते हुए, जो भारतीय संविधान का मूल्य है फ्रेटर्निटी का, बंधुता का, उसके आधार पर समाज को सभी लोगों के अंदर एक प्रेम भाव पैदा कीजिए, तभी आप समाज में एक अच्छा काम करेंगे। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि समाज में सभी लोग बदल सकते हैं। आरएसएस के लोगों को भी जो हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़े हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि आज समाज में इतनी नफरत कैसे पैदा हो गई, गाय के नाम पर लिंचिंग क्यों हो जाता है। केवल केवल मगरमच्छ के आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। ये देखना पड़ेगा कि गाय के बारे में पिछले 4 साल में जिस प्रकार से प्रोपोगंडा हुआ वो वास्तविक कारण है गाय के नाम पर हिंसा होने का। तो खैर, अपील यही है कि जो मुद्दे, राम मंदिर का मुद्दा हो, गाय का मुद्दा हो, लव जिहाद का मुद्दा हो, हमारे समाज के लिए ज़रूरी है, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, और इन सब चीज़ों को हम अधिकार से प्राप्त कर सकें, इज्जत से प्राप्त करें, एक ऐसे समाज के लिए ही हमें काम करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।